Hi, dear students. Alaikum, Myself Dr. Sajjad Ahmad Mir, Senior Lecturer of Physics, moment Boys High Secondary School, Pampore. Now, uh, today's topic is the laws of motion. There are three laws of motion actually. Developed by the Newton. Newton, you know, even actually gave the more significance of the things because the motion. बट द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट इज एक्चुअली गिवन बाई द न्यूटन दियर गैले गैली डाइट इट वॉज वन फाइव फोर थ्री फिफ्टीन हंड्रेड फोर्टी थ्री एंड उसी साल जन्म हुआ न्यूटन का तो एक और इंटेलिजेंट एंड एक और लेजेंड ऑफ द फिजिक्स एक्चुअली केम ऑन दिस अर्थ नव मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि तीन लाज न्यूटन से आए हैं फर्स्ट लाफ मोशन second law of motion and third law of motion. now, class 9th and 11th students, please understand me and uh, have a keen attention towards this lecture. first law of motion is also called the law of inertia. so, what is actually first law of motion or law of inertia? according to newton, a body remains in a state of rest or in a state of uniform motion along a straight path unless it is not affected by external agency. ट एक्सलोल एक्चुअली है फोर्स कौन सा फोर्स है नेट फोर्स की मैं बात कर रहा हूं नाउ बात यह है कि दोनों एग्जाम्पल चाहे बॉडी रेस्ट में है यानी यहां पर एक्सलोरेशन जीरो है रेस्ट में एक्सोरेशन जीरो होते हैं चाहे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अगेन यहां पर एक्सलोरेशन जीरो है यानी इन दोनों स्टेट्स में जहां पर एक्सोरेशन जीरो है अगर आपको स्टेट चेंज करवानी है मोशन से लेकर यानी मोशन से रेस्ट और रेस्ट से मोशन तो वो खुद ब खुद नहीं होगी तो क्या है आपको उसके लिए एक फोर्स चाहिए सो so, जरा देखिए आप फर्स्ला पे इज इट इन डेफिनेशन ऑफ फोर्स ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स है ठीक है ना क्योंकि एक बॉडी रहना चाहती है स्टेट ऑफ रेस्ट और रहना चाहती है ना स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन जब तक ना इसको आप फोर्स एक देंगे और वो जो रेजिस्टेंस है ना अपने स्टेट को चेंज करने को जो रेजिस्टेंस ही दिखा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट उसको नर्शिया बोलते हैं ना मैकेनिक्स में व्हाट इज नरशिया इट इज अ जैसिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट टू इट इस टू द चेंज इन स्टेट ओके रेजिस्टेंस ऑफर्ड बा ऑब्जेक्ट चेंज इट ट स्टेट वट स्टेट स्टेट यहां पर या रेस्ट स्टेट है या यूनिफॉर्म मोशन है तो चेंज कराना तो है तो उसका इनर्शिया बोलते हैं तो अगर आपको ये चेंज करवानी है तो यूनिट ऑफ फोर्स सो है ना फर्स्ट ऑल ऑफ डेफिशन ऑफ फोर्स है ना तो वट इजन हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि फोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट ला से निकालते हैं फोर्स इज दैट एजेंसी विच एक्चुअली इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई मीन कहाँ से कहाँ तक रेस्ट से मोशन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट आई होप यू अंडरस्टूड इट फर्स्ट लॉ जो है एक्चुअली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ फोर्स सो मैंने ये दिया है डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्या है फर्स्ट लॉ इट डेफिनेशन ऑफ फोर्स ऑन फोर्स फ्रंट अगर फोर्स को मदे नजर रखें फोकस ऑन द फोर्स देन वी कैन सी द फोर्स लॉफ मोशन इज एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ फोर्स

तो सीधी सी बात है अगर यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स देना पड़ेगा उसको तो स्टॉप करने में रेस्ट में और इन दिस केस वो बॉडी आपको डिस्ट्रोरेट कराना है ताकि वो रेस्ट में आ जाए और उसे हो जाएगा ना जब फोर्स दोगे तो एक्सप्रोरेट हो जाएगा तो ऐसी बात है कि अगर आप फोर्स फ्रंट पे न्यूटन फर्स्ट लॉ पे आप गौर करोगे इट्स एक्चुअली ऑफ फोर्स और अगर आप मोशन के फ्रंट पे इसको डिस्कस करोगे तो यहां से आपको एक्सप्रोरेशन का कंसेप्ट भी आ जाता है बात समझ में आ रही है तो नाउ यू अंडरस्टूड वॉट इज फर्स्ट लॉ ट इज मूव टू द न्यूटन सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ मोशन व्यूटन सेकंड लॉ मोशन न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में ऐसे बताऊं सेकंड लॉ मोशन सेकंड ला ऑफ मोशन जैसे आपको बता रहा हूं फिजिक्स में पहले कंसेप्ट आता है यू नो जब आप कंसेप्ट आ जाएगा ना उसके फौरन बाद मेजरमेंट होगी ये तो आपको पहले से ही फिजिक्स में बिकॉज फिजिक्स इज कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट तो ऐसा है कि जब आपको डेफिनेशन फोर्स की पता चली दैट फोर्स इज दैट एजेंसी विच इज रेस्पॉन्सिबल चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन ठीक है ना फोर्स ये एजेंसी है तो अगर ये डेफिनेशन हमें पता चली फोर्स की तो हमें इसके बाद ये करना है मालूम इस फोर्स को मेजर कैसे करते हैं हाउ डू वी मेजर दैट फोर्स तो सेकंड लॉ फौरन बाद उसके आ जाते हैं तो सेकंड लॉ जो आ गया सेकंड लॉ का काम ही यह है तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स व्हाट इज दैट सेकेंड लॉ से हमें यह पता चला अगर हमें मेजर करना है दैट जो फोर्स है जिसकी हमने अभी डेफिनेशन दी है ना तो वो बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा बॉडी को एक्सेलरेट कर इफ यू अप्लाई अ फोर्स टू ए बॉडी एट रेस्ट इट कैन एक्सेलरेट एंड गेट्स इनटू द मोशन ठीक है ना यानी वो मोशन में आ जाएगा या अगर एक मोशन में बॉडी है वो, तो अगर आपने फोर्स दिया तो वो स्टॉप हो जाएगी तो वो रेस्ट में आ जाएगा तो वो डिसेलोरेट हो जाएगा इंक्रीज इन स्पीड अगर हो गया ना तो उस वक्त एक्सेलरेशन इंक्रीज इन वेलासिटी में एक्सेलरेशन हो जाएगी अगर डिक्रीज इन वेलासिटी हो जाएगा ताकि वो रेस्ट में जाएगा उसको डिसेलोशन बोलते हैं तो ऐसे में एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए एंड ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाएंगे यूनिट्स चूज करके तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए बात समझ में आ गई एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए सो दिस इज द दूटन सेकंड लॉ देट द फोर्स विच यू डिस्क्राइब इन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड आर यू आर गोइंग टू एक्चुअली मेजर दैट फोर्स द सेकेंड लॉ इज दट ओके सो फर्स्ट लॉ इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स सेकेंड लॉ इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स ठीक है यह मेजरमेंट ऑफ फोर्स है यह न्यूटन का तरीका था इसीलिए न्यूटन ने काम किया इस पर ऐसे आपको पता चल जाएगा वाई फर्स्ट एंड वाई सेकेंड लॉ तो फर्स्ट लॉ अगर डिफिनेशन ऑफ फोर्स है सेकंड लॉ है मेजरमेंट ऑफ फोर्स न मेजरमेंट ऑफ फोर्स

d by dt यहां पर लिख सकते हैं एम वी ओके बट एवरीबडी नोज टाइम्स वेलोसिटी इज नथिंग बट लीनियर मोमेंटम जिसको कोई कोई बोल सकता है ट्रांसलेशनल मोमेंटम ठीक है ना ये p जो है एम वी के बराबर है बात समझ में आ गई तो मैं यहां लिखू यहाँ सपोज आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं यहाँ लिखता हूँ तो जो f आ जाएगा हमारा f आ जाएगा

ऐसा यूनिट क्या है देखिए फोर्स की डेफिनेशन आपने दी F इज इक्ल टू एम ए ठीक है मैथ का के जी है ठीक है मैथ का के जी है एक्सरेशन होता है किसके बराबर एक्सरेशन होता है एक्सरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम तो मतलब एक्सरेशन के यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो यहां आएगा के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज एक्सरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो मैं लिख सकता हूं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स के जी मीटर पर जिसको हम न्यूटन लिखते हैं इन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट न्यूटन तो मैं ना न्यूटन लिखूंगा ये न्यूटन है ऐसा यूनिट जिसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं ये ऐसा यूनिट है ठीक है वॉट इज सीजीएस यूनिट वेरी गुड सी जी एस क्या है यूनिट वो है डाइन क्या है डाइन ठीक है अगर कोई आपको बताएगा इसके बीच में रिलेशनशिप दे दो ठीक है वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एस आई यूनिट एंड सी जी एस यूनिट यानी कहने का मतलब है वन न्यूटन इज इक्वल टू डैश डैश डाइन तो आएगा आपको यहां डैश डैश आपको फिल करना है ठीक है तो सीधी सी बात है आप ऐसे करोगे देखिए वन न्यूटन के बदले वन के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे देखिए के जी को जब हम करेंगे ना चेंज के जी होता है थाउजेंड ग्राम्स ठीक है हो गया के जी ग्राम में कन्वर्ट बिकॉज सी जी एस तो सी ये जो डाइन है सी जी एस यूनिट है तो सी जी एस में किलोग्राम के बदले ग्राम आता है मैंने किया कन्वर्ट और देखिए ना किलो किलोग्राम के बदले ग्राम आया अरे मीटर के बदले क्या आएगा सेंटीमीटर बट वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर फाइन बात समझ में आ गई सेकंड का तो सीजीएस में सेकेंड ही है तो सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे ऐसे ही तो देखिए यहां पर ये यह रेस पावर थ्री है तीन जीरो हैं ये टेन रेस पावर टू टोटल में रेस पावर फाइव ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये तो टेरिस पावर फाइव डाइन हुआ ठीक है तो इस डैश में जो मैंने ऊपर लिखा दैट इज पावर फाइव ये भी पता चला दैट न्यूटन इज पावर फाइव डाइन अब देखिए अब मैं आपको ये बताऊं डायमेंशन इसके डायमेंशन आपको बताने हैं यानी फोर्स के डायमेंशन ठीक है फोर्स जो है वो फोर्स है दैट इज मैस इंटू एक्सलोरेशन मैस इंटू एक्सलोरेशन ठीक है तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं मैथ इंटू वेलोसिटी बाई टाइम ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो हम ऐसे करेंगे मैस इंटू डाइम डिवाइड स्क्वायर तो जब डायमेंशन निकाले हैं डायमेंशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं किसमें स्क्वायर ब्रैकेट में मीटर का तो हम जो लिखेंगे वो ये जो है मैथ है मैथ को एम लिखते हैं ठीक है ये है ये डिस्टेंस डिस्टेंस को हम लिखते हैं डायमेंशन में एल ठीक है टाइम को टी लिखते हैं तो टी टू तो कुल मिला के क्या बन जाएगा एम एल टी माइनस टू तो दीज आर दस ऑफ एक्सरेशन यानी वन जो है वो मैस के ऊपर वन है लेंथ के ऊपर वन है टी के ऊपर माइनस टू है हम बोल सकते हैं फोर्स इज वन डायमेंशन इज मैस फोर्स हैज वन डायमेंशन लेंथ फोर्स हैज माइनस टू डायमेंशन इन टाइम आर द डायमेंशन टाइप ऑफ क्वान्टिटी ये बताना है आपको कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है स्केलर है कि वेक्टर है ये वेक्टर क्वांटिटी है कौन सी है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी सो पता चला ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए तो फोर्स को वेक्टर में कैसे लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है नेक्स्ट आई विल गो टू दैट अब यहां पर फोर्स जो है वो वैक्टर क्वांटिटी है देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए देखिए ये क्वांटिटी जो है ये सिकेलर फॉर्म में है ये जो लॉ है न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इजलर फॉर्म है कौन सी फॉर्म फॉर्मर फॉर्म ऑफ न्यूटन लॉ ये फॉर्म है अगर आपको इसको वेक्टर बनाना है देखिए एफ इज इक्वल टू एम एफ मैंने वेक्टर बनाया तो वेक्टर हम ऊपर एरो लिखते हैं उससे वेक्टर बनता है तो लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स तो वेक्टर बन गए ना लेकिन राइट हैंड साइड अभी स्केलर ही है देखिए इक्वेशन इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स इज करेक्ट इफ इट इज बोथ डायमेंशनली करेक्ट एज वेल एज वैक्टोरली करेक्ट तो डायमेंशनली तो ठीक है एल इजिकोल डेमे लेकिन वैक्टोरली भी करेक्ट होना चाहिए तो राइट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी है मैथ तो स्केलर क्वांटिटी होती है स्केलर को वेक्टर से मल्टीपल करते हैं तो वेक्टर ही हो जाता है तो देखिए राइट हैंड साइड इज अ वेक्टर कंपोनेंट नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड इज अ वेक्टर कंपोनेंट राइट हैंड साइड आल्सो बिकम्स द वेक्टर कंपोनेंट सो नाउ दिस इज अ करेक्ट इक्वेशन इसका ये मतलब है जिस डायरेक्शन में फोर्स दिया जाएगा उसी डायरेक्शन में हो जाएगी उस बॉडी की फाइन इज इक्वल टू अब बॉडी कीट कब करती है या तो बॉडी मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि ये जो है यहां से मैं आपको ये बता रहा हूं कि बॉडी कब करती है देखो या तो बॉडी स्पीड अप हो जाती है या तो बॉडी को स्पीड डाउन हो जाना है तभी तो एक्सलोरेट हो जाएगा बात सुनिए मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा समझाऊंगा यहाँ इस इक्वेशन में अगर आपको कोई एक्सेलरेशन बताएगा क्या है ये जो है ये F MA, वेक्टर फॉर्म है ना दोनों फॉर्म तो नव न्यूटन सेकंड लॉ है में फिर से लिखता हूँ एन टू एल एन टू एल का मतलब न्यूटन सेकंड लॉ वो है एफ इज इक्वल टू एम ए तो इसका मतलब है अगर एफ बाई एम लिखू वो किसके बराबर है दैट्स इक्वल टू द नाउ ठीक है बात समझ में आई तो लाइक like दिस देखिए इसको अंडरस्टैंड करना ये एक्सेलरेशन क्या होते हैं मैं आपको समझाऊंगा एक इलेवेंस की लैंग्वेज में देखिए अगर आपने देखी स्पीड स्पीड इज नथिंग बट दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम आई मीन आपको आप मेजर कर रहे हो डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम जैसे स्पीड हम गाड़ी के देख रहे हैं टेन किलोमीटर पर आवर ओके ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर एट्टी किलोमीटर पर आवर हंड्रेड किलोमीटर पर आवर दैट इज स्पीड बट जैसे एक्सेलरेशन का मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ एक्सेलरेशन होती क्या है एक्चुअली स्पीड तो हमें पता है वेलोसिटी तो हमें पता है जो उसका वेक्टर कंपोनेंट है लेकिन एक्सेलरेशन क्या होती है कैसे समझोगे आप एक्सेलरेशन सपोज वी डू है टू बाइक्स दो बाइक्स हैं हमें एक किलोमीटर दिया गया तो एक किलोमीटर आपको वहां पहुंचना है एक किलोमीटर पे टारगेट दिया गया ना वी स्टार्ट सर वो एट ए सिंगल टाइम वी स्टार्ट आवर बाइक ओके ना वहां से हम निकलना शुरू हो जाएंगे तो दोनों में स्पीड है यानी दोनों बाइक्स में स्पीड है अगर डायरेक्शन भी देंगे मतलब तो सिक्सटी किलोमीटर तो वो दोनों में है दोनों बाइक्स में लेकिन कौन सी बाइक टारगेट पे पहले पहुंचता है, उसका पिक है। उसी पिकअप को फिजिक्स में एक्सलोरेशन बोलते हैं कितना गेन जिसने की कि स्पीड कितनी बेन पर टाइम किसने ज्यादा गेन किया है उसको एक्सलोरेशन बोलते हैं जैसे मैंने बोला दोनों बाइक्स हैं

तो एक्सेलरेशन बोलते हैं तब देखिए इट इट इज इज डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू टू बट इनवर्सली द इसका मतलब अगर आप दो बॉडीज को आप अनबैलेंस्ड फोर्स दोगे नेट फोर्स दोगे क्योंकि न्यूटन सेकेंड लाइन में जो फोर्स होता है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है नेट फोर्स होता है अगर आप नेट फोर्स बॉडी को दोगे दो बॉडीज को एक का मैथ ज्यादा है एक का मैस कम है तो इसका मतलब है जिसमें कम मैथ होगा वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगी जिसमें ज्यादा मैथ होगा वो कम एक्सलरेट करेगी लेकिन अगर आप दूसरा सिचुएशन देखिए मैथ दोनों का बराबर है है आप क्या कर रहे हो आप अगर आप उसको फोर्स एक बराबर दोगे तो दोनों की एक्सलेशन सेम होगी लेकिन अगर एक में ज्यादा फोर्स होगा एक में कम जिसमें ज्यादा फोर्स होगा ना एफ इज एज प्रॉपर वो ज्यादा एक्सलोरेट करेगा ठीक है जिसमें कम फोर्स हो वो कम एक्सलरेट करेगा बात समझ में आ रही तो ऐसी बात है तो देखिए ये होगा न्यूटन सेकंड सेकंडला मैंने आपको एक बात बता रहा हूं और हमेशा याद रखिए स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं दैट इज बाय अ बॉडी दैट इज कंटेन बाय अ बॉडी बट फोर्स इज नॉट कंटेनड बाई बॉडी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बट नॉट बाय अ बॉडी ये हमेशा आपको याद रखना है फोर्स कोई ऐसा चीज नहीं है दैट इज बाय अ बॉडी बल्कि ये क्या कर रहे हैं जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर होंगे लाइक वी डू हैव दिस टू वाइपर्स ओके तो ये वाइपर ये दो वाइपर हैं अगर ये दो वाइपर हम ऐसे रखेंगे अगर ये ऊपर वाला वाइपर नीचे पे फोर्स डालता है ठीक है ना इफ दिस वाइपर फर्स्ट वाइपर डेवलप्स आर प्रोड्यूस फोर्स ऑन द सेकेंड वाइपर देन सेकेंड वाइपर द एग्जर्ट्स इक्वल बट अपोज फोर्स ऑन द फर्स्ट वाइपर ऐसा होता है क्योंकि फोर्स है वैक्टर क्वांटिटी फोर्स है वैक्टर क्वांटिटी और इसकी एक डायरेक्शन होती है अगर इसने इसके ऊपर डाला तो वहां से एक और फोर्स हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शनल फोर्स यानी अगर हम इसको एक्शनल फोर्स बोलेंगे जो इसने डाला तो वहां से रिएक्शनल फोर्स होगा और वो इस एक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं जैसे मैंने एक काम किया मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया लाइक like दिस तो देखो ये हिल नहीं रहा है मैंने फोर्स फोर्स दिया तो बोर्ड मुझे वहां से वापस फोर्स दे रहा है और वो मुझे अपोजिट फोर्स दे रहा है रिएक्शनल फोर्स और चूंकि जो मैंने यहां से दिया उतना वहां से आ रहा है तो दो फोर्स बैलेंस हो रहे हैं दिस इज द सिचुएशन फॉर बैलेंसिंग फोर्स तो चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वैक्टोरियली वो क्या जीरो बन जाएगा मैं ऐसे समझा रहा हूं अगर मैंने यहां से एक फोर्स दीवार के ऊपर दी दीवार मुझे वाहन से फोर्स ऐसे लगा रहा है ठीक है तो अगर इसको मैं बोलूंगा एफ वन और यहां से मुझे एफ टू आ रहा है सो तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा एफ वन प्लस एफ टू ये होगा रिजल्टेंट एफ आर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स देखिए यहां पर सिचुएशन क्या है एफ वन इज इक्वल टू एफ टू जो मैंने अभी सिचुएशन दी ये बराबर है लेकिन अपोजिट है एक दूसरे को देर फोर जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा एफ आर वो आएगा एफ वन प्लस इंटू माइनस एफ वन बिकॉज एफ टू इज माइनस एफ वन सो एफ आर इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा जीरो देखिए जनाब रिजल्टेंट फोर्स क्या आया जीरो आया हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए है ये न्यूटन सेकंड लॉ दैट मींस एफ रिजल्टेंट इज एक्चुअली एम ए बिकॉज ये ना ये अनबैलेंस्ड फोर्स होता है रिजल्टेंट फोर्स होता है सो यू जस्ट रिमेमर इट द रिजल्टेंट फोर्स And इसका ये मतलब है ये जीरो है, M, M A. कभी जीरो नहीं होता है. तो इसका ये मतलब ए इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब है, A zero, कोई नहीं आई इस बोर्ड में इसलिए एक्सेलरेशन नहीं आई तो ना ही मूव साइड में हुआ ना ही साइड में हुआ अगर कुछ फोर्स में उसे रिएक्शन से ज्यादा दूं ठीक है ना तो मैं बोलूंगा एक्सेरेट हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड अगर वहां वही देगा ज्यादा तो मैं इस साइड में एक्सडेंट हो जाऊंगा तो नेगेटिव आ जाएगा सपोज बट किसी का फोर्स यहां ज्यादा नहीं था तो एक्सेलरेशन जीरो थी वो समझ में आया आप कैसे ये कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी हाँ अगर आप बच्चों एक काम करोगे आप टायर वाला बूट लगाओगे ठीक है ना दोस्त जिनमें दो शूज विच आर कैरिंग दो एंड देन यू पुश दिस बोट द वॉल अब देखो आप मूव हो जाओगे क्योंकि आपकी वहां रिएक्शन जो है वो इम्बेलेंस करा रहा है तो फिर कुछ फोर्स बचता है वो डोमिनेट फोर्स का पोर्शन भाई वहां से है तो मैं एक्सेलरेट उसी डायरेक्शन में हो जाऊंगा क्योंकि वो वहां से फोर्स है मैं इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाऊंगा बात समझ में आ रही है, तो वहां आपको समझ या आप आईसी सरफेस पे ऐसा करोगे आप यहां आईसी सरफेस पे फिर उसको पुश करो अब देखिए आप बैक साइड में जाओगे तो इसका मतलब है वहां वो फोर्स डोमिनेट हो जाता है इम्बेलेंस फोर्स हो जाता है तो वो नेट फोर्स बनता है कुछ ना कुछ एक्सेरेशन में वही एक्सेरेशन से आप उसी फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं बात समझ में आ रही तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रन रिजल्टेंट फोर्स की बात है बैलेंस फोर्स की नहीं वहां एक्सेन जीरो होती है ठीक है बात समझ में आई वेरी गुड अब ये समझ में आया तो ये बॉडीज जो है तो इसका मतलब जब ये इसके ऊपर फोर्स जा रहा है तो फोर्स इज ए इंट्रैक्शन इट नॉट समथिंग कंटेनिड बाय बॉडी जैसे स्पीड वगैरह जो बातें हैं स्पीड इज कंटेन बाई बॉडी बट फोर्स इज नॉट कंटेनिड बाई बॉडी इज देयर फोर नो ड इंट्रेक्शन कभी बातों में देखिए इंट्रेक्शन जैसे हमने बात की ना बात की हमने वो हमारा पार्ट नहीं है वो उसके बाद शुरू हो जाती है तो उसको इंट्रैक्शन बोलते हैं तो फोर्स ही एक किस्म की इंट्रैक्शन है इट इज नॉट कंटेनड बाय अ बॉडी ठीक है ना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी बॉडी इसे ये बॉडी है ये दूसरी बॉडी है वाइपर ये इसके ऊपर डाल रहे हैं वहां उसके ऊपर वापस डाल रहे हैं सो so इसका यह मतलब है, force जिसको सा, सीधी साधी एंड सिंपल लैंग्वेज में वही सेटेशन एवरी एक्शन दियर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसके अदरवे राउंड हम बोल सकते हैं फोर्स एग्जिस पियर्स फोर्स कभी सिंगल एग्जिस्टिंग नहीं हुआ उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं होगी तो दैट इज दूटन लाइट इसलिए देना पड़ेगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ठीक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है फोर्स एग्जिस्ट इन प्यर्स ठीक है इसका ये मतलब है अगर यहां एक बॉडी है यहां दूसरा बॉडी है ठीक है इसके ऊपर उसका फोर्स होगा अगर चलिए एट्रैक्टिव मानेगी